तो भाई लोगों फाइनली अपने पास अपनी कुछ चीज़ें जो कि मैंने ऑर्डर करी थी वो डिलीवर हो गई है। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो भाई, ये वो चीज़ें जो कि भाई आपकी कार में होनी ही होनी, ठीक है, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले। अब ये कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको एक एक करके सबकी अनबॉक्सिंग करके बताऊँगा। ठीक है, तो सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम। कोई भाई नया हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपने उस दोस्त को जिसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले अपन इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या है। तो लोग भाई स्टार्टिंग करते हैं भाई अनबॉक्सिंग अपने प्रोडक्ट्स की। ठीक है, ऐसे तो भाई मैंने कर दी थी सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि भाई मंगाते कुछ है एंड आता कुछ है, तो सबसे पहले भाई अपन इसको अनबॉक्स करते हैं। ठीक है, अगर आपको अनबॉक्सिंग नहीं देखनी हो तो भाई आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले भाई खुल जा, ये देखो भाई, अगर आपको समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है तो भाई ये है कार परफ्यूम। ठीक है, इन्वॉल्व का है एंड बता देता हूँ भाई मैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ठीक है, इन सभी ब्रांड्स का कि भाई मेरे को ये इन्होंने भेजे प्रमोशन करने के लिए, भाई मैंने खुद से ऑर्डर करा है क्योंकि मेरे को पसंद है भाई। ये है इन्वॉल्व का वन मस्क, इसमें भाई और भी फ्लेवर आते हैं, आप चाहो तो आपकी जो मर्जी आप उसमें ऑर्डर कर सकते हो। अमेजोन से मैंने मतलब मंगवाए हैं, इनके लिंक्स मैं भाई अपने कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, विद प्राइस आपको बताऊँगा, यहाँ पे भाई मैंशन है 400 रुपीज़। ठीक है, तो मेरे को कितने में क्या पड़े वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले भाई ये है अपना परफ्यूम। ठीक है, कैटेगरी भाई बहुत सारी होती है भाई, अलग अलग तरह के, यहाँ पे वेंट्स में लगने वाले आते हैं, यहाँ लटकाने वाले आते हैं, एंड एक भाई इस टाइप का आता है। ठीक है, तो ये देखो भाई इसमें क्या क्या मिला आपको, एक ऐसा कुछ कार्ड मिला थैंक यू का, उसके बाद आपको 3M के टेप मिली है जिससे भाई आप इसको कहाँ भी चिपका सकते हो। फिलहाल मैं ये भाई लगा के अपने डैशबोर्ड की वाट नहीं लगाना चाहता। तो ये है भाई अपना प्रोडक्ट। ठीक है, इन्वॉल्व वन एंड मस्क इसका फ्लेवर, मतलब इसका नाम है फ्लेवर, तो भाई ऐसा कुछ आता है। अंदर से भी बता देता हूँ। ठीक है, तो भाई अंदर से इसको खोलने के बाद इसके ऊपर एक ऐसी भाई पन्नी आती है। ठीक है, इसको हटाने के बाद आपको ऐसा कुछ इसके अंदर मिलता है। अरे भाई ये देखो भाई, ऐसा कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तीन है इसके अंदर, पता नहीं क्या चीज़ है, तो ऐसा कुछ है। स्मेल भाई काफ़ी अच्छी है इसकी, ठीक ठाक, एकदम फ्रेश है। ठीक है, अच्छा फील हो रहा, मतलब अगर आपकी गाड़ी फुल पैक भी रहेगी ना तो आप इसको यहाँ से देखो खोल भी सकते हो एंड बंद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला हो गया आपने ये वाला। ठीक है, फिलहाल तो इसको भाई खोल के रख देते हैं यहाँ पे, जो टेप है भाई इसको वापस इसके अंदर डाल दे। ठीक है, अब दूसरे वाले प्रोडक्ट की बात करते हैं कि दूसरे इसमें भाई कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग है अपनी। ठीक है, तो भाई ये अपना दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको भी एक बार अनबॉक्स करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या भाई। ये मुश्किल से होगा अनबॉक्स, तो एक बार मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। ठीक है, फिर आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। तो इसको भी भाई लोग खोल लिया अपने। ठीक है, तो ये है भाई अपने कार का चार्जर। ठीक है, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है ही है, अगर आप भाई ट्रिप वगैरह पर भी जाते हो या फिर नॉर्मली आप अपनी कार को चलाते हो तो इसमें भाई ये चीज़ होनी ही होनी है। ठीक है, ये बेसिकली कार चार्जर है। ठीक है, पोट्रोनिक्स का 51 मैक्स आउटपुट, तो बहुत सारे अवेलेबल थे भाई, बट मेरे को उन सब में बेस्ट यही लगा क्योंकि इसमें भाई 51 मैक्स आउटपुट है एंड जो ब्रांड है ना पोट्रोनिक्स, इसके मैंने प्रोडक्ट्स पहले भी यूज़ करे हैं, तो काफ़ी अच्छी ब्रांड है, ऐसा नहीं है भाई कि कोई लोकल है। तो ऐसा कुछ है भाई इसमें, इतने सारे फीचर्स आप देख लेना। ठीक है, एक एक बताऊंगा तो भाई टाइम लग जाएगा। एंड इसकी प्राइस भी भाई मैं बता दूंगा यहाँ पे, तो भाई कोई 1000 रुपये मैंशन कर रखे, बट 1000 रुपये का नहीं है ये, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एक बार भाई इसको भी अनबॉक्स कर देते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता भाई अपना ये चार्जर। ठीक है, यहाँ पे आपको कार्बन फिनिश मिलेगी। ठीक है, जो कि इसका लुक काफ़ी बेहतरीन, मतलब बेहतर कर देती है। यहाँ पे भाई आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो टाइप सी है जिसमें आपको भाई 33 वॉट मिलता है, दूसरा अपना USB टाइप ए है, या फिर इसको जो नॉर्मल वाला बोलते हैं ना पुराने जमाने वाला वो है, मतलब 18 वॉट। तो इसमें दो ऑप्शन मिलता है आपको एंड ऐसा कुछ है ये, मतलब इसका वेट भाई काफ़ी लाइट है। ठीक है, काफ़ी हल्का है। अब क्वालिटी इसकी मेरे को ठीक ही लग रही है। ठीक है, यहाँ पे पोट्रोनिक्स लिखा है एंड और भी कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन है, तो एक बार इसको लगा के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगेगा, ये देखो भाई जैसे अपन इसको लगाते हैं ना, यहाँ पे एक बीच में इसकी लाइट जलती है। ठीक है यार, इसका ना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इसमें आपको कोई केबल नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये यार ख़राब चीज़ है, केबल देनी चाहिए थी साथ में। खैर कोई नहीं भाई, चार्जर वाले यूज़ करेंगे। उसके बाद अपना लास्ट प्रोडक्ट बचा है ये क्या। ठीक है, इसको भी भाई अपन खोल के बताते हैं। एंड ये तो भाई मैंने आपको बताया था ना, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, कहीं भी जाओ आपको चार्जर की ज़रूरत पड़ती है भाई, चार दोस्त होंगे साथ में, किसी ना किसी को तो भाई लगाना ही है इसमें। तो इसमें ये भी अच्छी बात है भाई, दोनों ऑप्शन मिल जाता है, टाइप सी के एंड अपना वो नॉर्मल वाला। ठीक है,
आगे वाला अपन इसको अनबॉक्स करते हैं कि इसमें क्या है। तो ये है भाई अपना लास्ट प्रोडक्ट, इसको भी एक बार खोल देते हैं। ये लो भाई, ये लो, ये है, समझ आ गया होगा आपको कि ये क्या चीज़ है। ये भाई माइक्रो फाइबर क्लोथ, ठीक है। अब इसको भी एक बार अनबॉक्स कर देते हैं, इसमें भाई कितने मिले मेरे को एंड इसकी प्राइस क्या है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। मतलब लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं तीनों की प्राइस बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार इसको भी खोल देते हैं, इसमें कितने क्या मिले हैं। तो ये लो भाई, इनको भी कर लिया अपन अनबॉक्स, ठीक है। इसमें देखो मेरे को बेसिकली चार मिले, ठीक है, मैंने चार ही ऑर्डर करा था एंड इसमें चार ही मिले। इसकी साइज़ बता देता हूँ मैं आपको कि नॉर्मल कितनी साइज़ का होने वाला है एक। तो ये देखो भाई, ये इसकी साइज़ होने वाली, जो कि ठीक है भाई, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ना ही ज़्यादा छोटी है, मीडियम साइज़ ठीक रहेगी। इसका क्या फ़ायदा होता है माइक्रोफाइबर क्लोथ का, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो भाई इनसे आप जब भी अपनी गाड़ी को वॉश करते हो ना, उसके बाद अगर आप उसको नॉर्मल कपड़े से साफ़ करोगे ना, तो भाई इसमें दाग रह जाते हैं पीछे, ठीक है, जो कि इस चीज़ में, ये वाली चीज़ अपन यूज़ करूँगा ना, इसमें नहीं रहता है। जैसे कि भाई मैं यहीं पर अगर आपको बता दूँ ऑफ़ करके, ये देखो भाई पूरा क्लीन हो जाता है कंप्लीट, मतलब पीछे कोई नहीं रहता डस्ट वगैरह। तो इनका ये फ़ायदा है, ना ही आपकी गाड़ी पे स्क्रैचेस लगेंगे, ना ही मतलब अगर आप गाड़ी धोगे उसके बाद पानी की बूंदे रह जाती है तो वो भी एकदम क्लीन रह जाएगी, ना ही वॉश करने के बाद जो भी अपने दाग वगैरह रहते हैं वो भी इनसे साफ हो जाता है, ठीक है। तो ये थे भाई अपने सारे प्रोडक्ट्स, एक बार मैं सबकी प्राइस बता देता हूँ एंड सबके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आप अगर आपको अच्छे लगे ज़रूर से इनको लेना, बाकी तो भाई आपकी मर्जी है, ठीक है। तो भाई एक ही करके मैं प्राइस बता देता हूँ, ठीक है। इसकी जो परफ्यूम है ना, इसकी प्राइस है भाई 364 रुपये, ठीक है, 350 रुपये मान लो अराउंड इसकी प्राइस है। उसके बाद ये भाई चार क्लोथ्स मेरे को मिले 250 रुपये में, ठीक है, 260 समथिंग ऐसा कुछ है इसका माइक्रोफाइबर क्लोथ का। एंड जो चार्जर है ना, ये भाई मेरे को पड़ा है 450 रुपये में फोटोनिक्स का। तो भाई लोगों, ये एक चीज़ पीछे रह गई थी, इसको भी बता देता हूँ भाई इसमें क्या है। तो अनबॉक्स भाई मैंने पहले ही कर लिया इसको भी, ठीक है। ये देखो भाई, ये अपने डोर के डोर गार्ड बोलते हैं इनको, ठीक है। एक बार बता देता हूँ इनका लुक कैसा है, ठीक है। ये देखो भाई क्वालिटी, तो भाई अब 200 रुपये में क्या ही मिलेगा, ये ऐसी कुछ क्वालिटी उसकी, ठीक है। दिखने में भाई ठीक है, यहाँ पे हल्का सा क्रोम टाइप आपका मिल जाती है फिनिश, ठीक है। यहाँ पर स्टेटस लिखा है, इसका भी लिंक भाई मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये दिखने में अच्छे है बट क्वालिटी भाई अब वैसी ही मिलेगी आपको, ठीक है। जितना पैसा खर्च करोगे ना भाई उतनी आपको क्वालिटी मिल जाएगी, ठीक है। इनको तो भाई अभी लगा के अभी बता देंगे गाड़ी में कि ओवरऑल कैसा एक्सटीरियर में ये लुक देता है अपना। ये देख लो भाई, दूर से तो भाई काफ़ी अच्छा लगता है। तो ठीक है भाई, ये अपना लास्ट चीज़ थी, अब करते हैं अपने वीडियो को ख़त्म। मैंने आपको सिनेमैटिक शॉट्स में मैं बता दूंगा भाई ये सब कैसे लगता है अपने गाड़ी को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना भाई, भूलना मत। तो सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करना। अब मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's